Assalamu alaikum, Nazreen. दुनिया में ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। मैं जो आज आपको एक सच्चा वाकया सुनाने लगा हूँ, उसको सुनकर इंसान का दिल के साथ साथ इंसान की रूह भी कांप जाएगी। तो बराए मेहरबानी ये वाकया सुनने से पहले पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। तलागांग में हैवानियत की नई मिसाल कायम हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तलागांग के रहायशी एक शख्स ने मकरूज शख्स को मौत के बाद भी न बख्शा और अपना कर्ज वापस न करने का अनोखा बदला ले लिया। तलागांग के शहर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 60 साला शख्स कर्ज अदा करने से कबल ही फौत हो गया। तो कर्ज खा ने इसे बदला लेने के लिए साथियों समेत इसकी लाश पर लाठियां बरसा दी। कर्ज खा ने मैयत को नमाज जनाजा के लिए ले जाने से भी रोकने की कोशिश की। वफात पाने वाले मकरूज शख्स के बेटे ने मुजमान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस का कहना है कि मुजमान की तलाश की जा रही है, ताहम ताहाल मुजमान मफरूज है। मकरूज शख्स की मैयत पर लाठियां बरसाने के वाकया पर सोशल मीडिया सार्फीन ने भी गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। सार्फीन ने लाठियां बरसाने वालों को बुरा भला कहते हुए कहा कि ये फेल इंतहाई काबले मुजम्मत है। ऐसे वाकयात देखकर अंदाजा होता है कि हमारे मुआशरती अखलाकियात कहीं बहुत दूर आ गई हैं। वाज़ेह है कि दौरे हाजिर में ऐसे कई वाकयात देखने में आते हैं जिनको सुनकर ये यकीन हो जाता है कि हम अपनी अखलाकियात को कहीं दूर छोड़ आए हैं। इस वाकया समेत इस किस्म के दीगर वाकयात ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ सार्फीन का कहना है कि लोगों में खौफ खुदा खत्म होता दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि आए रोज ऐसे इंसानियत सोज वाकयात खबरों की जीनत बनते रहते हैं। कोई अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है तो कोई पैसों के लालच में अपने खून के रिश्तों का कल्ला घोंप देता है। तो ये दिल सोज वाकया तलागांग में पेश आया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उस पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।